हाय गाइस, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो रेगुलर बेसिस पे सेल्स कॉल करते हैं, या फिर बोलूंगा हर महीने में शायद 50 से 60 सेल्स कॉल करते हैं, बट एक भी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। आप थक चुके हैं रोज रोज जूम कॉल या मीट की मीटिंग्स कर करके, बट लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये दिक्कत आप में है, या आपकी सेल्स पिच करने की प्रोसेस में है, या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकता है कन्वर्जन दिलाना? यस, मैं आज एक ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि गूगल ने दिया है हमें ये समझाने के लिए कि अगर हम उस रिसर्च, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिसर्च करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो जो आप 60 कॉल करते हैं उसमें कन्वर्जन होने के प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मैंने खुद की बिजनेस में ट्राई किया था 2020 में, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स मैंने बिजनेस बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास सिस्टम इतने फंड्स नहीं थे। एंड आई वुड से इस टाइम जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं 80-90% लोग वही हैं जो लोग ये चाहते हैं कि हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक कम बजट में एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करें। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करो तो हमेशा ऐसा देखिए जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़े, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे एंड आपको थोड़ा सा भी रेवेन्यू आएगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी प्रॉफिट आएगा देन ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिजनेस में कॉन्फिडेंस चलता है। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपको प्रॉफिट मिलता है। जस्ट अज्यूम कि आपने 10,000 रुपये लगा दिए या 50,000 रुपये लगा दिए, या फिर आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिससे आपने 2,00,000 रुपये लगा दिए, ना आपको लगेगा अब बिजनेस चल पड़ेगा। हो सकता है कि शायद आपको इनिशियल रेवेन्यू भी आना स्टार्ट हो जाए बट वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान जो भी एक पर्टिकुलर कोर्स लेता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी लेता है या ट्राई करता है कि मैं कैसे करूं, वो हर चीज़ को आरओआई में देखता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने लगाया एंड कितना आपको वापस मिल रहा है। तो उसकी वजह से ही हमें फ्रस्ट्रेशन होती है एंड हम 6 महीने में हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो कि डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेसेस कैसे चलते हैं, कैसे सेल्स पिच को कन्वर्ट करा जा सकता है, कैसे आप अगर आप हफ्ते में 5 कॉल्स भी ले रहे हो एक कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, तो चलते हैं मेरी डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं बात करने वाला हूँ गूगल के फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है गूगल पेज स्पीड इनसाइट। सब कुछ बताएगा आपकी वेबसाइट के बारे में एंड ऐप के बारे में, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाओ रिसर्च करके आप इसके बारे में डाल सको, सो दैट सामने वाले क्लाइंट को या कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आप उसकी रिसर्च करके आए। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड हम डायरेक्टली चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन में। ओके, तो अब हम आ गए हैं पेज स्पीड इनसाइट्स को यूज करने। मैं दोबारा बताऊं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से मिला हुआ जो हमें, जिसके बाद अगर आप इन्फॉर्मेशन अपनी सेल्स पिच से पहले रेडी करेंगे, ये वाला डेटा डालेंगे, तो सामने वाले क्लाइंट या कस्टमर को ये लगता है ये रिसर्च करके आया है मेरे बारे में, होमवर्क करके आया है। सिर्फ इसलिए नहीं आ गया कि इसको सेल्स करनी है, एंड अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो देर आर 50% चांसेस, ट्रस्ट मी, देर इज 50% चांसेस कि आप सेल ले लेंगे। तो एग्जाम्पल, मैंने, अगर आपको नहीं पता, आप पे स्पीड इनसाइट जाके लिखेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उसको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वेब पेज यूआरएल डालना है। एग्जाम्पल मैं अपना डाल देता हूँ एंड ये एनालाइज कर रहा है। ऑफ कोर्स इट विल टेक फ्यू सेकंड्स एंड सम टाइम अ मिनट डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट स्पीड, बट मैंने यहाँ पे अपना खोल रखा है। सो यू कुड सी कि मैंने इनसाइट जीएनए खोल रखा था। मोबाइल का मेरा स्कोर आया है 84, डेस्कटॉप का स्कोर आया है ऑलमोस्ट 99, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 100। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच मी ऑन माय वेबसाइट, स्पेशली कोई डिजिटल मार्केटिंग को लेके, क्योंकि आपको पता है कि मनीष की जो वेबसाइट है इनसाइट्स डीएनए की, जो इनसाइट डीएनए वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी है, इसमें रैंकिंग का इशू नहीं है या ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको ऑफ कोर्स अपनी जो सेल्स पिच रेडी करनी पड़ेगी उसमें मेरे को ये बताना पड़ेगा ऐसे क्या की चैलेंजेस हैं जिसको आप मेरे लिए ठीक करेंगे। एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेन विच इज लाइक 2.9 सेकंड विच इज इन रेड, राइट? रेड का मतलब इश्यूज,
जैसे यहाँ पे लिखा है रिड्यूस अनयूज सी एस एस, यू कैन से 1.05 सेकंड का आप सी एस एस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट के या फिर डेवलपर है या फिर आप एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं या फिर डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं, तो अब इस पॉइंट को उठा के एक स्क्रीनशॉट लगा के आप बता सकते हैं कि सर मैंने आपकी वेबसाइट चेक की थी, लेट्स से कि ये स्कोर मेरा 84 ना होता, मेरा 64 होता। सो प्रोबेबली आप मेरे को पिच कर सकते थे कि सर हम 64 की जगह इसको 84 कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं, अगर हम ये पर्टिकुलर फीचर को ठीक कर दें। एंड इसमें सब कुछ बताएगा आपको कि ट्रांसफ़र का साइज़ कितना है, पोटेंशियल कितनी सेविंग होगी। एग्जांपल अगर मैं इस वाले यूआरएल को आप मेरे रिड्यूस करेंगे तो आप मेरे लिए 60 सेकंड सेविंग बचा लेंगे। 60 KIB की जो सेविंग्स होती हैं, ऑफकोर्स ये बहुत कम है, लेकिन आप काउंट करते रहेंगे तो ये कुल मिला के 1 सेकंड का बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में वेबसाइट की लोड टाइम और साइट स्पीड, SEO, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड, हर चीज़ इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 सेकंड भी अगर आप किसी का वेबसाइट का बचा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल पे हो, डेस्कटॉप पे हो, तो यू हैव नो क्लू कि आप कितने परसेंट का रेवेन्यू उसके लिए ग्रो कर सकते हैं। पिच ज़रूर कीजिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि 1 सेकंड में क्या किसी का फ़र्क पड़ेगा। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई इंसान, जस्ट इमेजिन आपने किसी की हेल्प करी, वो 1 सेकंड में 1000 रुपये कमाता था और एक इंसान 1 सेकंड में सिर्फ 2 रुपये कमाता था। तो अगर आप किसी को पिच करेंगे जो 2 रुपये कमाता है, तो उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं ऐसे 2 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को रीच आउट करना चाहते हैं जो 1000 रुपये कमा रहा है 1 सेकंड के, एंड उसको ये पता है कि अगर मेरे वेबसाइट का ठीक हो गया ये चीज़, तो मैं 1 सेकंड कम करके मैं 1000 रुपये और कमा सकता हूँ, तो आप उसको 1 सेकंड में 2000 रुपये देने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है अगर आप पेज स्पीड इनसाइट्स को यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी ऑलरेडी ठीक हैं। सेम चीज़ आप डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर चीज़ आपको बेटर लग रहा है, बट देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जिनका इशू होते हैं। मैं एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ ऑफ कोर्स, या फिर मैं अमेजोन ले लेता हूँ, तो उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरी वेबसाइट है, तो मेरे को मेरी वेबसाइट के इश्यूज पता थे। नाउ यू कुड सी कि हम अमेजोन की मैंने वेबसाइट खोली है, डेस्कटॉप के वर्जन पे आ गए हैं, एंड दे आर गेटिंग द स्कोर ऑफ 83 विच इज़ टू गुड। ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें होती, सिर्फ एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल इंटीग्रेशन है, बहुत सारा कुछ है। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट कितनी अच्छी है, इसीलिए अच्छी रैंक होती है। ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे 1 सेकंड इनको लगता है, मे बी यहाँ पे 3 सेकंड लगता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप यहाँ पे इनकी हेल्प करते हैं 3 सेकंड की जगह इनको सिर्फ 1 सेकंड लगे, तो जस्ट इमेजिन उनके अगर आप 2 सेकंड बचा लेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप किसकी कितनी हेल्प कर रहे हो। सेम चीज़ अगर आप उनकी मोबाइल की वेबसाइट देखेंगे, सो एट द मोमेंट इट इज़ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 51। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट करेक्ट, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न क्योंकि वो अपनी ऐप का सारा काम करते हैं, तो मोबाइल जो है उनका मोबाइल वर्जन ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए फॉर रैंकिंग एंड एवरीथिंग। सो यू कुड से कि अच्छा ठीक है, इनका कंटेंटफुल पेंट जो है जिसमें इनको 3.9 सेकंड लग रहे हैं, अगर हम इनकी हेल्प करें तो प्रोबेबली अगर हम इनको रिड्यूस करवा दें 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, ऑफकोर्स छोटे बिजनेस ओनर्स को इतनी बड़ी कंपनियों को टारगेट करना थोड़ा डर लगता है, बट जस्ट इमेजिन अगर आपने अपनी पोटेंशियल या टारगेट ऑडियंस बना ली है जिसको आप रीच आउट करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे हेल्प करें, आप इस वेबसाइट पे जाके ये देख सकते हैं कि उनकी पेन पॉइंट एरियाज क्या हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको पता ही ना हो कि ये उनके पेन पॉइंट एरियाज हों। उनके पेन पॉइंट एरियाज को उनके सामने रखकर एक सोल्यूशन रखकर और देन अपनी प्राइस कोट करेंगे, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका कन्वर्जन हो जाए। बट अगर आप ये सब चीज़ें नहीं डालते आजकल के स्पेशली डिजिटल एरा में, तो उनके पास रोज़ की हजे हज़ारों ईमेल्स आती है या फिर ऐसे हज़ारों लोगों से मिलते हैं जो सेम चीज़ पिच करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ये सबसे बढ़िया टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल का ही टूल है। एंड ऑफकोर्स अगर अच्छा स्कोर होगा तो आप रैंक भी अच्छा करेंगे, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, सेल्स अच्छी होगी, देन ऑफकोर्स ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा पूरा उस कंपनी में वो बड़ा हो सकता है। सो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म विच इज़ पेज स्पीड इनसाइट्स
का यूज़ करें अपनी सारी पिच से पहले, आप फिर आप देखिए कि सेल्स जो कन्वर्जन होते हैं वो डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से ग्रो होते हैं। मैंने खुद इसको यूज़ करके 2020 में, जब मेरे को बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उसके बाद भी मैंने 2 कन्वर्जन निकाले थे एक ही महीने में, एंड तभी मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। आई होप ये आपको इनडेप्थ ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा मैं तो ये बोलूंगा यूट्यूब पे या कोई भी नहीं देता यूजली, एंड अगर देते भी हैं तो वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। ऑफ कोर्स मैं इंडिया में रहता हूँ एंड मैंने ज्यादा नोटिस किया क्योंकि मैं इंग्लिश का काफी कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लिंक्डइन। तो मेरे को वहां पे पता लगा अपने इंडियन ऑडियंस की, सर आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर आप चाहते हैं कि हम औरों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम लोगों की इंडियन या हिंदी लैंग्वेज या हिंदी मीडियम में हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर आपकी सेम इन्फॉर्मेशन अगर हमें आप हिंदी में दे पाए तो हम ज्यादा इजिली ग्रैप कर पाएंगे। लिंक्डइन पे रिसेंटली मेरे जो कॉन्टेंट है उसको 2 मिलियन व्यूज या 2 मिलियन कॉन्टेंट इम्प्रेशन मिले हैं। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख लोगों ने मेरे कंटेंट इंप्रेशन देखा है, एंड ये सिर्फ मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 6 महीने में मैंने सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस किया था लिंक्डइन पे सिर्फ बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, छोटा इन्वेस्टमेंट करके या छोटे बजट के साथ बिजनेस कैसे किया जाए, वो मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि 2020 में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था एंड एग्जैक्टली बिल्कुल 0 रुपए के साथ। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैं खुद एक सैलरीड वाला था, एंड जस्ट अज्यूम जो सैलरीड वाला होता है, मैरिड होता है, जिसका एकदम बेबी बिल्कुल नया हुआ होता, तो उसके पास कितनी उसकी सैलरी बच जाती है। एंड ऑफकोर्स मैं इंडियन कॉर्पोरेट में था, सो यू कैन अज्यूम कि मैं कितनी सैलरी कमाता होगा एंड कितना मैं उसमें से सेव कर लेता होगा। इसी वजह से मैंने ऑनलाइन पे मूव करने का सोचा, एंड ऑफकोर्स वर्क फ्रॉम होम था 2020 में, बहुत ज्यादा कोविड आया हुआ था, तो रादर देन मैंने कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर ही सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, एंड वो सक्सेसफुल भी हुआ। इसीलिए मैं बहुत इनडेप्थ ट्यूटोरियल्स और वीडियोज बनाता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो, ग्रेजुएट्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स हो, या फिर अपने जॉब के बाद वो बिजनेस करना चाहते हो, या फिर बिजनेस ट्राई करना चाहते हो जॉब के साथ, तो बिल्कुल मेरी वीडियोस के साथ लिखिए। जितनी मैंने अभी तक वीडियोस प्रोड्यूस करी है यूट्यूब में एक बार सबको देखिए, क्योंकि मैं बहुत इनडेप्थ ट्यूटोरियल बनाता हूँ, सारा हिंदी में बनाता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बुक्स को पढ़ के मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आप मेरे YouTube के सब्सक्राइब बटन पर प्लीज क्लिक कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी इनडेप्थ वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मैसिव जरूर टाइप कीजिए, MASSIVE। मैसिव वर्ड से मेरे को लगता है कि हम एक एनर्जी लाते हैं, एक पॉजिटिविटी लाते हैं। अगर आपको भी सेम एनर्जी और सेम पॉजिटिविटी चाहिए तो अभी की अभी कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल लिखिए मैसिव। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं और मैं हर हफ्ते एक वीडियो के साथ लाइव जाता हूं, सो दैट आप इन टच रहे, आपके देखिए बिजनेस को कैसे ग्रो करना है एंड अपने आप को कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।